जी हाँ सर, बताइए ड्रीम एस्ट्रो सेंटर ये क्या चीज़ है सर? पब्लिक की अभी तक कोई समझ में नहीं आ पा रहा है, आप इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहते हैं सर? सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और ड्रीम एस्ट्रो सेंटर, आपने ये पूछा, ये नया ओपनिंग सेंटर एक हो रहा है जिसमें पूरे वर्ल्ड में ये पहली बार ऐसा एक क्रिएशन या खोज, जो कि मैंने विगत करीब करीब 5-7 साल के एफर्ट से और अपने स्ट्रगल से इस नई पद्धति को एस्ट्रोलॉजी के रिस्पेक्ट में लाने की कोशिश किया है हमने। एक्चुअली मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और जहाँ तक कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में 3 पैटर्न जो है काफ़ी फेमस है, एक पॉमिस्ट्री, एक होरोस्कोप से एस्ट्रोलॉजी की जाती है और एक न्यूमरोलॉजी। तो पॉमिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी जो है ये काफ़ी प्राचीनतम, काफ़ी पुरानी एस्ट्रोलॉजी है जो कि आज के युग में लगभग नगण्य सा है। और लोगों का मानना है या मेरा भी ये ओपिनियन है कि इससे संबंधित बहुत कम लोग ये, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी प्राचीन एक एस्ट्रोलॉजी थी, न्यूमरोलॉजी और पॉमिस्ट्री। रही बात हॉरोस्कोप के से एस्ट्रोलॉजी की जानी, ये प्राचीन भी है और अभी के समय में भी चल रही है और मैं भी शुरू से ही हॉरोस्कोप से एस्ट्रोलॉजी किया करता रहा हूँ। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस आ जाती है। कुछ लिमिटेशंस ये है कि इसमें बिल्कुल एक्यूरेसी जो है, कहीं ना कहीं एक्यूरेसी इफेक्ट होती है। वो इसलिए होती है कि एक्चुअली जो एक एस्ट्रोलॉजर डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस और एक बर्थ टाइम जो मानता है जातक से, या जो जिसके आधार पर एस्ट्रोलॉजी करता है या प्रेडिक्शन करते हैं, तो वो क्या है कि बर्थ प्लेस तो मिल जाता है, डेट ऑफ बर्थ भी एक्यूरेट मिल जाता है, लेकिन टाइमिंग जो होता है उस टाइमिंग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। भले वो टाइमिंग 2 मिनट का फर्क हो, 4 मिनट का फर्क हो, कभी कभी ऐसा होता है कि उस 2 मिनट और 4 मिनट के चक्कर में ही पूरा जो प्रेडिक्शन है वो रिवर्स आ जाता है। तो उस समय एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हुए भी इंसान को या एस्ट्रोलॉजर को सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती है। ऐसा मैंने भी कई एक दफ़े फेस किया है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी